नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फाइनेंशियल ईयर 2023 के 24 का बजट पेश करेगी, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घर से निकल चुकी है और यह बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। 2024 आम चुनाव से पहले यह नरेंद्र मोदी सरकार की आखिरी पूर्ण बजट है। बजट से हर तबका कुछ न कुछ राहत मिलने की आस बांधे बैठा है। आपको बता दें कि पिछले कई बजट में मिडिल क्लास को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लग पाया है, वही इनकम टैक्स सीमा में छूट चाहता है। इस बार प्री बजट बैठक में मिडिल क्लास को राहत देने को लेकर मंथन हुआ था। सबसे अधिक विचार इनकम टैक्स के नई व्यवस्था में बदलाव को लेकर हुआ था। वही पीएमओ भी चाहता है कि चुनावी बजट में मिडिल क्लास के हाथों में कुछ ना कुछ दिया जाए। सरकार बजट में नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव की पेशकश करना सकती है, इसको आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। वही अगर गुजारिश बनी तो सरकार इनकम टैक्स छूट में सीमा बढ़ा सकती है। वही इंडस्ट्री चैम्बर से इनकम टैक्स निवेश पर भी छूट देने और विशेष रूप से होम लोन छूट बढ़ाने की सुझाव दिया है, ताकि रियल स्टेट तेज रफ्तार पकड़ सके। वही सरकार पर रोजगार सृजन ना करने को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में बजट में पीएलआई स्कीम का विस्तार कर इनमें 10 नए सेक्टर जोड़ सकती है। मौजूदा समय में 15 सेक्टर पीएलआई स्कीम के दायरे में आता है और इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा इसके योजना का उल्लंघन, बता दी कि योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों के देश में अपना उत्पाद बढ़ाने के प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उतनी ज्यादा संख्या में नौकरियां मार्केट में आएगी। और बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। ये बजट 11 बजे पेश किया जाएगा, जिसको लेकर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बजट में किन किन दायरों को लेकर और किन किन चीजों पर अहम फोकस किया जाता है, क्योंकि ये बजट अपने आप में ही बहुत खास है। नरेंद्र मोदी सरकार की चुनावी बजट है ये, और कहीं ना कहीं इस बजट पर ही बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हो सकता है। बता दें कि ये निर्मला सीतारमण का जो ये बजट है जो 11 बजे पेश होगा, इसमें लेकर आज निर्मला सीतारमण अभी घर से बाहर निकल चुकी है और 11 बजे ये बजट पेश होगा, जिसमें कल बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी और उन्होंने संबोधित किया था। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षों से ये कहा, विपक्षों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण वो बजट पेश करने दे, और आज इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेगी। और इस बार के बजट में यही देखना काफी खास होगा कि मिडिल क्लास पे सरकार कितने तवज्जो देती है। और बता दें कि स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा इसके योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे तमाम चीजें इस बजट में देखने को मिल सकती है। और अब खबर बता दें आपको कि हरदोई के माधोगंज थाने में वीएचपी ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आक्रोश नहीं थमता नजर आ रहा है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर नारेबाजी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी कर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते नजर आए हैं। वहीं थानाध्यक्ष प्रार्थना पत्र लेकर आश्वासन दिया है। बांदा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। बता दें कि योगी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और साथ ही उनका कहना था कि सरकार बनने के बाद से मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। ये बताइए किस तरह की मांगों को लेकर के आप लोग आए हुए थे आज? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी बांदा महोदया के माध्यम से ज्ञापन सौंपे। आज यूपी की जो भाजपा सरकार है, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो 2022 में जब विधानसभा चुनाव था तब उन्होंने कहा था कि हम घरेलू बिजली 50% करेंगे और किसानों के जो बिल है वो हम माफ करेंगे, लेकिन उल्टा कर दिया भाजपा ने। योगी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऊपर से अब 18 से 23% के जो दाम है प्रस्तावित बढ़ोतरी के बढ़ाने जा रही है।
बांदा के मामला बता दें आपको, जहां पर नरेनी ब्लॉक अंतर्गत महटा गांव में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ऊपर बता दिया कि अपर जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में माध्यम से ग्रामीणों ने प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव विद्वानसिनी सिंह साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की डिमांड किया करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवास के लिए पात्र होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सचिव ने सूची से पात्रता के नाम बाहर किए हैं। वहीं प्रधान और सचिव की कार्यप्रणाली के चलते ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते नजर आए हैं। मेरा नाम बिमल कुमार मिश्रा है। कहाँ से है? मैं हम लोग मोटर से हैं। मोटर थाना? थाना तर्रा। किस समस्या को लेकर आए? लोग आवास के संबंध में आए थे। सब लोगों का नाम है हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम दर्ज है सबके, परंतु सचिव ने के नाम सबको काट दिए हैं, अपात्र कर दिया है। किसने काटा जी? सचिव बिंदवासी सिंह है मोटा में, उन्होंने नाम काट दिया, अपात्र कर दिया लोगों को। क्यों काट दिया? पता नहीं किस लिए काट दिया। प्रधान का तो मैं राजनीति को जरूरत है, परंतु उनका कुछ बात कर रहे हैं, पूरा ले लेना। कितना पैसा मांग रहे हैं? किसी से 5, किसी से 15, जिस तरह व्यवहार था मांग रहे हैं। गोरखपुर में घूम घूम कर मोबाइल छीनने करने वाले दो शातिर अभियुक्तों के कैंट को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त अपने नशे और शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल छीनने का काम करते थे। विगत 30 जनवरी को शिवम गुप्ता रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा पकड़कर अपने मामा के घर बता दें कि घासी कटरा जा रहे थे, तभी गोलघर काली मंदिर के पास एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने पर वहां से भागने लगे। पीड़ितों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस घेराबंदी कर कचहरी चौराहे के पास इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। जनपद गोरखपुर में लुटेरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में गोरखपुर पुलिस अभी तक सफल रही है। इसी अनुक्रम में आज अवगत कराना है कि कल शाम के समय 4:30 बजे के आसपास गोलघर मार्केट के पास एक व्यक्ति ई रिक्शा से उतर कर अपने घर घासीकटरा की तरफ जा रहा था, तभी एक एचएफ डिलक्स पर सवार दो लोगों ने उसको घेर कर उससे मोबाइल छीनने का प्रयास किया, और मोबाइल छीन कर जब वो भागने लगे तो उन्होंने वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को बताया। उसके बाद में पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। यूपी के फतेहपुर और साथ ही बता दें कि पशुपालन और कृषि की जानकारी के लिए 111 किसानों के दल लखनऊ और चित्रकूट के रवाना हुए हैं, जिसमें उन्होंने बता दें कि सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा है कि किसान पशु पालन के साथ ही उन्नति कृषि की जानकारी प्राप्त करेगा। दोनों दल को रवाना करने से सीडीओ सूरज पटेल के कहा है कि किसानों को लखनऊ में कृषि और औषधीय खेती के साथ ही बागवानी खेती और प्राकृतिक खेती की जानकारी मिलेगी। वहीं गनीवा एवं बता दें कि बांदा में पशुपालन और साथ ही मत्स्य पालन की जानकारी किसान हासिल करेगा। वही हरदोई में कई समस्याओं को लेकर भाक्यू में प्रदर्शन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि छट्टा जानवरों को पकड़कर गौशाला में भेजने की मांग की गई है, और इस दौरान बघौली चौराहे से प्रताप नगर एवं हाईवे गड्ढा युक्त हाईवे को बनवाने की मांग भी की जा रही है। बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर किसानों ने बिजली व्यवस्था दिलाए जाने को लेकर और माइनरों की सफाई के आने की मांग की जा रही है। मऊ के शहर कोतवाली के पठान टोला में मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश के बाद से कार्रवाई हुई है। रफीक उफ टाइगर और साथ ही उनके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि सीओ सहित सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं।
वहीं यूपी के फतेहपुर में पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में बने कठोरी में छापेमारी करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है और साथ ही मौके पर पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचा कारतूस शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही दो शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक शातिर अपराधी कई बार जेल से जा चुका है और जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया राम सजीवन कोड़ी बता दें कि 50 वर्षीय के खिलाफ पहले 5 मुकदमे दर्ज हैं और इस दौरान यह भी बताया गया है कि पकड़ा गया राम संजीवन कोड़ी पुत्र बाबूलाल 50 वर्षीय के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं और यह कई बार जेल जा चुका है। इसका एक साथ ही दशरथ पुत्र जो है प्रसाद 58 वर्ष पहले जो पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया था, इनका फरार तीसरा साथी चुन्नपाल उर्फ चुन्नीलाल जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। जनपद फतेहपुर में थाना खागा पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनसे 16 तमंचे 12 बोर और 315 बोर के ढेर सारे कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण ये बरामद हुआ है। ये देसी तमंचा की फैक्ट्री चला रहे थे और इनका प्लान था बना करके आसपास के जगहों में सप्लाई करना और इसमें एक व्यक्ति पे 5 मुकदमे पहले से हैं। वो पहले भी तमंचे की फैक्ट्री अवैध तमंचे एक फैक्ट्री में ही वो जेल जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के 2 गुट में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। निर्माण कार्य में लगी कंपनियों पर सुपरवाइजर ने जिला चिकित्सालय में पहुंचकर मामले में रफा दफा किया है और मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस को नहीं दी गई, जिसके बाद से आपस में भिड़े मजदूरों ने पहले तो अपनी आपबीती सुना दी, उसके बाद वही घायल मजदूर सुपरवाइजर के कहने पर ताल मटोल करने लगे और कहा कि निर्माण कार्य करते समय गिर गए थे। ये पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत महिला हॉस्पिटल के बगल में बन रहे मेडिकल कॉलेज की बताई जा रही है। अब खबर कानपुर से है, जहां बता दें कि अभी तक अपना सुना और देखा होगा कि अक्सर पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगते रहते हैं, फिर चाहे वो किसी को थाने से छुड़वाना हो या फिर चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा चालान से बचना हो, लेकिन अब पुलिसकर्मी ही अपने आला अधिकारियों द्वारा की जा रही उगाही और अवैध वसूली को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कानपुर के दक्षिणी इलाकों में देखने को मिला है, जहां पर दीवारों पर एक नोटिस चिपका कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें यूपी 112 में तैनात पुलिसकर्मी आला अधिकारियों पर उनके द्वारा जबरन अवैध वसूली के आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, यह आरोप सीधे तौर पर एसपी और नोडल अधिकारियों पर लगाए गए हैं। वहीं जब इस वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और साथ ही पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच के लिए डीसीपी मुख्यालय रवाना बता दें कि रवीना त्यागी को जांच के लिए सौंपा है। अभी शिकायत में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरोप भी गंभीर बताए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी ही खुद अपने ही आला अधिकारियों पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप के मुताबिक आला अधिकारियों के कहने के बाद ही वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। देखिए, जो एक पर्चा जो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार इसके संबंध में विस्तृत जांच मेरे द्वारा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा संपादित की जाएगी। इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं, इसकी गहनता से जांच करने के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई। रायबरेली उचवाहार तहसील क्षेत्र में मौजूदा बता दें कि एनटीपीसी प्रदूषण का केंद्र बनता जा रहा है। आपको बताते चले कि एनटीपीसी उचवाहार में कोयले से बिजली उत्पाद होता और लगभग 1550 मेगावाट बिजली उत्पाद किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही समय पर एनटीपीसी ने होने वाले प्रदूषण से आसपास से सटे गांव और टाउन एरिया उचाहार के लोगों के लिए मुसीबत पैदा होती जा रही है। आपको बताते चले कि एनटीपीसी से निकलने वाले गंदा नाला
उचाहार टाउन होते हुए लगभग एक दर्जन से भी अधिक गांवों से होता हुआ सीधे गंगा नदी के कोटरा घाट पर मिलता है, जिसे गंगा नदी पूरी तरीके से दूषित होती हुई नजर आ रही है। साथ ही एनटीपीसी से निकलने वाले डस्ट गांवों पर काली चादर की तरह छाई रहती है। साथ ही कुछ ही दिन पहले नए प्लांट लगाए जाने और जल दोहन किए जाने के कारण कई गांवों में जल स्तर ही गिर गया है, जिस कारण से वहां किसानों को नलकूपों और साथ ही नलों के पानी निकलना भी बंद हो गया है। आपको बताते चले कि एनटीपीसी उदाहार प्लांट की वजह से तीनों प्रकार का प्रदूषण जल मृदा और वायु प्रदूषण फैलता नजर आ रहा है। और अब खबर बता दें आपको कि झांसी से है, जहां पर वैस्तम इलाइट चौराहे पर महिला ने एक मजनू की पिटाई कर दी। वही बता दें कि नवाबाग थाना और इलाइट पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर यह घटना बताई जा रही है। वहीं सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के सिपाही तमाशाबीन बने रहे और ये तस्वीर जहां पर एक महिला ने एक मजनू की पिटाई कर दी है। और साथ ही बता दें आपको कि इस दौरान सुरक्षा में तैनात जो होमगार्ड हैं और सिपाही हैं वे तमाशाबीन बने रहे। झांसी के मोरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले सातवें आसमान पर दिख रहे हैं। जहां बता दें कि झांसी पुलिस नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे चोरियों का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं चोर बड़े ही आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर भागने में सफल रहते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई मुखदर्शक बनी नजर आती है। ताजा मामला झांसी के मोरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवड़ी चौक क्षेत्र के ग्राम पठा से सामने आया है, जहां रहने वाले सतीश कुमार साहू ने बताया है कि वे अपने परिवार के साथ रात में खाना खाने के बाद सो गए थे और सुबह जब 5 बजे वे उठे तो घर में और बता दें कि कमरे में जो ताले थे वो टूटे पड़े हुए थे और साथ ही जब घर को देखा तो लगभग 3 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चोरों द्वारा चोरी की गई थी। घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दे दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से लाया सामान? यहीं पे खम्भे के पास पड़ा। अच्छा, क्या हो गया? चोरी हो गई। तो आप सामान उठा के ला रहे हैं? जी। कहाँ की है? कनला के। यहाँ कहाँ पे हो अभी? अभी संदीप साहब के यहाँ पठाना। जी। उत्तर प्रदेश के विद्युत निगम द्वारा नियामक आयोग के 23% तक का बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज कचहरी चौराहे स्थित गांधी उद्यान में धरने पर बैठे हैं और पैदल मार्च कर कलेक्टर में पहुंचकर राज्यपाल के संबोधन ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। वहीं जिला प्रभारी दीनदयाल काका ने कहा है कि बिजली और साथ ही समाज के सभी वर्गों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से अपील कर रही है कि उक्त मामले में हस्ताक्षर कर जनता को सख्ती और बिजली और साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए और बिजली के दामों में होने वाले बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।